सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत, शादीशुदा खातून वालिद के जेरे कफालत की तारीफ में नहीं आती, मरियम नवाज शरीफ के वकील शाहिद हामिद के दलाइल। मरियम नवाज ही ऑफशोर कंपनियों की मालिक, जर्मन अखबार ने नया सनसनी खेज इंकशाफ कर दिया, डायचे बैंक से लिए गए कर्जों की तफसीलात भी बेनकाब। इस्लामाबाद के सर्द मौसम में सियासी महाज गरम, शेख रशीद कहते हैं शरीफ खानदान जाली दस्तखत करता है, वुजरा की जबान मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाएगी। सिराजुल हक ने कहा हुकूमती वकला बौखलाहट का शिकार हो गए, केस अवाम जीतेंगे। फवाद चौधरी बोले हुक्मरान फंस गए, नू लीग नया पार्लिमानी लीडर मुंतखब कर ले। कराची में पानी की लाइनें तोड़ने वालों को गिरफ्तार न करने पर सिंध हाई कोर्ट पुलिस ऑफिसर पर बरहम, डीआईजी ईस्ट और एसएसपी फौरी तलब, नुकसान पर नोटिस तो लेना पड़ेगा, काम नहीं कर सकते तो वर्दी और फूल उतर जाएंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची में बारिश से सड़कें पानी पानी, शहरियों को है परेशानी, केएमसी में इमरजेंसी, बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के फीडर स्ट्रेप, कई इलाकों की बिजली बंद। लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश, महकमा मौसमियात ने मजीद बादल बरसने की नवीद सुना दी, खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में तुगयानी का खदशा। चित्राल, शांगला, नारांग, कागान, एबटाबाद समेत दीगर पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी, चमन में बारिश और बर्फबारी रुक गई। कोयटा में नवाखली के इलाके में गैस लीकेज से घर में धमाका, तीन बच्चों समेत चार अफराद जान बहक, दो जख्मी हो गए। तैयबा तशद्दुद केस में साबिक जज राजा खुर्रम की अदालत में पेशी, जमानत में 1 फरवरी तक तौसी, अगली समाअत पर दोबारा पेश होने का हुक्म।